आखिर व्यान को पेरिस जाने से कथा और आरव ने कैसे रोका? वेल, ये हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि जिस तरीके से व्यान ने तो फैसला ही कर लिया था कि वो अब इंडिया छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए पेरिस में जाके शिफ्ट हो जाएगा, और वैसे में अब ये पासा उलट चुका है और अब व्यान पेरिस जाने से साफ इनकार कर दिया है, और उसकी वजह से वो बेहद खुश भी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मन में हजार सवाल आ रहे हैं कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। तो धीरज रखिए, मैं आपको बताऊंगी कि ये चमत्कार कैसे हुआ, कौन किया, क्यों हुआ और एक्सेट्रा, सारे सवालों का जवाब दूंगी। वेल, तो चलिए देखते हैं आप सभी का मनपसंद सीरियल कथा अनकहे के आने वाले एपिसोड में आखिर क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछली एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से जो राघव है वो कथा के पास बैठता है और अपनी सारी दिल की बातें उसे शेयर कर देता है, लेकिन जैसे ही कथा से वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, वैसे ही कथा कहती है कि मैं आपसे कल भी प्यार नहीं करती थी और आज भी प्यार नहीं करती हूँ, और ना आपसे मैं आगे प्यार करूंगी। मैं व्यान से प्यार करती हूँ, व्यान के साथ रहना चाहती हूँ और व्यान के ही लिए मैं जी रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आज भी अगर आपके पास तो वो उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आरव है। और जैसे ही आरव व्यान को एक्सेप्ट कर लिया, फिर मैं कहीं नहीं रुकने वाली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम सभी ने देखा था कि किस तरीके से जो आरव है वो अपने रूम में बैठ के अकेले शांत में वो सोचता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही व्यान के ऊपर गुस्सा कर दिया, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आरव के साथ जो होने वाला है उसके बारे में आरव बेहद ही अनजान है। पहले सीरियल का लेटेस्ट ट्रैक सामने आ चुका है और ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आरव के पास एक बॉक्स आता है और बॉक्स कोई और नहीं बल्कि व्यान भेजता है और उसमें एक लेटर भेजता है और लेटर में सारी बातें अपने दिल के लिखी हुई रहती है, जिसके बाद से आरव कथा के पास आता है और फिर दोनों व्यान के पास जाते हैं और फाइनली वहां जाके व्यान को पेरिस जाने से दोनों रोक लेते हैं और एक साथ रहने की प्रॉमिस करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राघव अब क्या करने वाला है, क्योंकि राघव का कहीं ना कहीं तो दिल टूट चुका है और उसका सारा सपना चूर चूर हो चुका है। वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही अपनी फेवरेट से अपडेट जानने के लिए देखते रहे फिल्मी बेटा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।